नेहा मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ अजय भारत। इंसान हूं और इंसान से ही डर लगता है, ये लाइनें आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि बेगूसराय में मॉब लिंचिंग की घटना फिर से सामने आई है, जहां दो लोगों को गंभीर रूप से मारा गया और ग्रामीणों ने उन्हें शक के इल्जाम में इतना पीटा कि एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बेगूसराय में एक बार फिर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। ग्रामीणों ने दो अपराधी होने की शक में दो लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवकों पर एक दिन पहले गोली चलाने का आरोप लगाया गया। घायल के मुताबिक वो बेकसूर है, पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है। युवक ने बताया कि उसके हाथ में ग्रामीणों ने जबरन गोली रख दी और उसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस इस संबंध में कुछ भी कहने से बचती हुई दिखाई दे रही है। लोग गए थे, वो दोस्त था, गंजा खरीदने गया था। क्या थी? गंजा पीता, गंजा खरीदने गया था। इतने में पहले हम लोग का वो दुश्मन है पहुँच गया, जेल से छूट गया। तो हाल फिलहाल में हम लोग मारना पीटना चाहता था, नहीं सक्सेस हुआ। तभी आया दो गो चारों गाड़ी लगा के वहाँ, उसका दोस्त गोतिया सब पासवान है, समझे सर, जिसको जो जिसके साथ लड़ा वाला वो भी पासवान है, सब गोतिया एक हो के हमको बोला तुम ढोलू है, हम बोले के ढोलू, तो ढोली ना, बोले हाँ, बोलिए भैया, बस उतने भी गोली के वायरल से हमारा मारा माथा पर, फिर उसके बाद पीछा सीटा रही तो ही रही, मुझे भैया की किया आप लोग तो गोली बोल ली। तो भाई किसी के गांव में अगर गोली चलाएगा कोई बाहर के लोग तो गांव वाला तो बैठा नहीं रहेगा, इसी क्रम में घटना हुआ। कल शाम को ये दोनों लड़का गया था मेरे गांव, और गांव गया था तो ये हमारे लड़का रणधीर कुमार वापस में मजाक कर रहा था, साथी सुन के लोग ये मजाक कर रहा, तो ये बोला जो गाड़ी पर चढ़ा हुआ था, इन्होंने बोला कि हमको साइड दीजिए, साइड दीजिए। हमारा लड़का बोला कि साइड भाई जी, रास्ता आपका बलग से रखा हुआ है, आप निकल जाइए। तो हमारा लड़का उस पर मान लिया, उसको कहा तो हमको टाइट लिए गोली मारेगा, रास्ता उधर से आप निकल जाइए। इन्होंने नहीं मारा, फिर ज़बरदस्ती हमारे लड़का पर हमला किया, तो लड़का मान लिया जाए जिसको घर पकड़ किया था। ये घटना कल करीब 8:30-9 बजे के आसपास की है, शाम का, जब दो आपराधिक किस्म के लोग, एक मिस्टर अमन कुमार जो कि पहास का रहने वाला है और एक दूसरा है जिसको कि रंजीत कुमार उर्फ गोलू, ये दोनों छेड़खानी करने की नियत से इनकी गांव वालों की जो शिकायत थी क्रम भर्रा सूजा भर्रा पड़ता है, तो वहाँ ये लोग अक्सर छेड़खानी की नियत से जाया जाता था। कल भी ये दोनों छेड़खानी की नियत से ही गया था गाँव, और किसी घर में प्रवेश किया था, जब लोग वहाँ जमा होना शुरू हुआ तो इन दोनों के द्वारा एक फायर किया गया। इसके बाद गांव के लोग घेर कर दोनों को पकड़ लिए और पीट काफ़ी मारपीट की, जिसमें कि अमन कुमार जो पन्हास के रहने वाले हैं इनकी मृत्यु हो गई और गोलू कुमार घायल हो गए। इसके पहले भी ये जो रंजीत कुमार गोलू के विरुद्ध में 173/19 केस इसके पहले भी दर्ज हुआ था, वो इस कांड का अभियुक्त था, जो अभी घायल है वो इस कांड का। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत। अगर आपको ये खबर हमारी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।